एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग फिट विद सोनिया। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी डाइट में, जैसे कि मेरी वेट लॉस की जर्नी में क्या क्या चेंजेस किए थे। ज़रूरी नहीं है कि वेट लॉस करने के लिए ना आप भूखे रहें, बिल्कुल ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और मैं भी भूखी नहीं रही थी, मैंने सिर्फ फूड में कुछ कुछ चेंजेस किए थे, अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे। तो आज मैं आपके साथ वही एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड किया था। और वैसे तो ये रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए है पर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप इसे लंच टाइम पर भी खा सकते हैं, आप इसे डिनर टाइम पर भी खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो क्या बनाने वाले हैं हम आज? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मूंग दाल चीला। जी हाँ, आई होप शायद आप लोगों ने खाया भी होगा ये पहले कभी। बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट और हमें क्या करना है कि हमें इसमें ना वेजीज मिक्स करनी है। जी हाँ, क्योंकि वेजिटेबल्स आपको बिल्कुल भी मोटा नहीं होने देंगे, आपको फिल रखेंगे। तो मैंने इसमें छिलके वाली मूंग की दाल यूज़ की और मूंग की दाल वेट लॉस के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। मूंग की दाल में देखिए विटामिन ए बी सी ई सब कुछ होता है एंड उसमें आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ना बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट देंगी। एंड अगर मैं बात करूँ एक कप, अगर आप कुक्ड एक कप मूंग की दाल अगर लेते हैं तो उससे देखिए आपको फैट जो मिलेगा ना बहुत ही कम मिलेगा, केवल 1 ग्राम फैट मिलेगा। जी हाँ, और प्रोटीन आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, लगभग 15 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन भी उससे मिलेगा। तो इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन, कैलोरी आपको 215 के आसपास मिल जाती है। तो ठीक है, अब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको ये मूंग दाल का चीला बनाना है विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। मेरे पास जो आज वेजिटेबल्स घर पे थी मैंने वही डाली है, बट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी वेजिटेबल्स आप खाते हैं ना आप डाल सकते हैं। आइए फटाफट से बनाते हैं मूंग दाल चीला। तो ये है मूंग दाल जिसको मैंने रात को भिगो दिया था, छिलके वाली थी और इसके छिलके मैंने हटा दिए हैं और अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। बस इसमें मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली डाली हुई है, इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, आप हल्का से पानी के साथ ही इसको मिक्स करें। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पिंक सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑब्वियस हम इसे हेल्दी बना रहे हैं। वैसे नॉर्मल सॉल्ट भी आप ले सकते हैं पर अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको वाइट सॉल्ट को अवॉइड करना चाहिए, कम्प्लीटली नहीं क्योंकि उसके अंदर आयोडीन होता है, बट हाँ थोड़ा सा। और ये मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, काली मिर्च, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जिंजर। तो जिंजर, ग्रीन चिली और आपकी दाल, ये चीज़ें आप मिक्स करते वक्त जब आप इसे ग्राइंड कर रहे हैं ना तब आप डाल दीजिए। अब मैं इसे फटाफट से ग्राइंड करती हूँ। तो मेरे पास अभी अवेलेबल थी घर पे टोमेटो, कैरेट, प्याज और कॉर्न और थोड़ी सी बीन्स, तो मैं ये डालूंगी। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो आप डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं और भी अगर आपको कैबेज अच्छी लगती है वो भी डाल सकते हैं, तो कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। बस अब हम बना देते हैं चीला और मैं इसमें थोड़ा सा सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी, सिर्फ लगाने के लिए, ज़्यादा नहीं, आपको बिल्कुल ऑयल ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब तवा हल्का सा आपका हो गया है गर्म मेरा,
ये 1 स्पून एंड 2 स्पून, दैट्स इट। और इसे हल्के से स्प्रेड कर लो। बस अब इसे हम थोड़ा सा ढक देंगे और इसे कुक होने देंगे। तो ये ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गई है, मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ। ये देखिए बहुत इजीली और आराम से फ्लिप हो जाएगा। आप इसको वापस से 2 मिनट के लिए कवर कर दीजिए। तो आप ऐसे 2 चीले बनाकर आराम से खा सकते हैं। और मैं खा रही हूँ दही के साथ, योगर्ट के साथ। आप इसे ग्रीन चटनी बना लीजिए धनिये की, उससे खा लीजिए, पुदीने की चटनी से खाइए। तो अभी देखते हैं कैसे बने हैं। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्दी और ये बहुत फिलिंग भी है। तो एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। तो ये थी बहुत ही आसान सी मूंग दाल चीले की रेसिपी और ये बहुत यमी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहिए मेरे साथ और भी बहुत सारी रेसिपीज़ और भी बहुत सारी बातें और भी बहुत सारे चेंजेस जो मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी में किए थे, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, बाय फॉर नाउ।